अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ स्पेशल चाइना ग्रास, और जो नॉर्मल जो चाइना ग्रास है उसकी रेसिपी हम लोगों ने हमारे चैनल पर, महक किचन के चैनल पर अपलोड की हुई है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट बनता है जिस तरीके से मम्मी ने बताया है। ये थोड़ा सा स्पेशल है, वो इस वजह से है कि इसके अंदर मैंने क्या किया था, 1 लीटर दूध लिया है, उसको मैंने 1/2 लीटर कर दिया है। हमें दूध को इतना पका लेना है कि ये देखिए इस कलर का दूध हो जाना चाहिए, ठीक है। आपने 1 लीटर दूध को 1/2 लीटर करना है। इसके अंदर अगर अगर मतलब कि चाइना ग्रास, ये देखिए चाइना ग्रास का एक पैकेट मैंने लिया, छोटा वाला एक पैकेट लिया है, उसको मैंने यहाँ पर पानी में भिगो के रखा है 15 मिनट से। इसके अंदर मिल्कमेड का मैं टीन इस्तेमाल करने वाली हूँ, 200 ml का टीन मैं इस्तेमाल करूंगी कंडेंस मिल्क। और यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँ, शुगर ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हो तो फिर आपने सिर्फ मिल्क में ऐड करना है, शुगर आपने अवॉइड कर देना है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है थोड़े से केसर, और यहाँ पर मतलब 1/4 टीस्पून मैंने केसर लिया। केसर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, स्पेशल है ऑब्वियस है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर है, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ काजू बादाम पिस्ता और चारोली। आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना भी आपको अफोर्ड कर सकते हो, जितना भी आपके टेस्ट के हिसाब से है आप ले सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा सा बर्तन ले लिया, इसमें मैं 1 ग्लास पानी ऐड करूंगी, और इसके बाद में मैं इसके अंदर ये जो अगर अगर है ये भीगा हुआ, इसका पानी नहीं ऐड करेंगे हम, सिर्फ इसमें से अगर अगर जो है चाइना ग्रास है उसी को हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम पका लेंगे। पकाते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसके अंदर क्या करना है। थोड़ा सा हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है, और अगर आप चाहो तो दूध में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है दूध में, दूध को मैंने ऐसे ही पका लिया था। तो ये देखिए इसके अंदर मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी बचा लूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा हम चाहिए तो केसर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इसे हम अच्छे से पका लेंगे, एटलीस्ट हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। इतना हमें कुक करना है, ये जो हमें धागे दिख रहे हैं ये धागे वगैरह नहीं दिखना चाहिए, जो अगर अगर के हमें धागे दिख रहे हैं चाइना ग्रास के वो हमें नहीं दिखना चाहिए, पूरे मेल्ट हो जाना चाहिए। तो बस इसे मैं अच्छे से अभी 10 मिनट कुक कर लूंगी। देखिए 2 मिनट से ये अच्छे से कुक हो रहा है, तो अब इसमें मैंने शुगर ऐड किया है, और इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक ये जो शुगर है वो मेल्ट नहीं हो जाती, हम इसे इतना पका लेंगे। और ये जो कलर चेंज हुआ है ये मैंने केसर ऐड किया था, उससे ये कलर चेंज हो चुका है। अगर आप चाहो तो आपने अगर कलर ऐड करना है तो ऐड कीजिए, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने इसके अंदर केसर ही ऐड कीजिएगा, केसर क्योंकि केसर का फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए शुगर है अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम इसके अंदर ये जो मैंने आपको कंडेंस मिल्क बोला था ये कंडेंस मिल्क मैं पूरा इसमें ऐड कर दूंगी, ये देखिए बहुत ही अच्छे से। और मैं अब गैस का फ्लेम जो है उसे मैं बंद कर दूंगी, और इसके बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये दूध, दूध ऐड करूंगी। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, दूध ऐड कर रही हूँ मैं, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी जब तक इसमें है ना दाने दाने दिखते हैं, वो दाने दाने दिखना बंद हो जाएंगे तब तक मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गैस का फ्लेम बंद करके करिएगा, ये अगर स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपका अगर अगर कभी मतलब कि आपका चाइना ग्रास कभी नहीं फटेगा। दूध को हमने पहले से पका लिया है, दूध को पहले अलग पका लेना है, फिर चाइना ग्रास को पकाना है हमने, और पकाने के बाद में भी इसको हमने अच्छे से चलाते हुए इसको 5 मिनट हमने अच्छे से चलाना है, जिसके अंदर जो दाने दिखते हैं वो दाने दिखना नहीं चाहिए। मतलब बेसिकली क्या करना है हमें, जो चाइना ग्रास है और दूध है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स हो जाएगा तो दानेदार नहीं दिखेगा, दाना वगैरह नहीं दिखेगा इसके अंदर। पर देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया, 2 मिनट मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स किया, कंडेंस मिल्क जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, दूध जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और इसको 2 मिनट मैंने अच्छे से चला लिया, मतलब मिक्स कर लिया मैंने। अभी इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक बर्तन लिया है, अब इसके अंदर ये जो चाइना ग्रास है ये मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि आपने इसको सेट होने तक वही जगह पे रखना है, इसको बिल्कुल भी बीच में हिलाना नहीं है। अभी इसको हमने सेट होने के लिए रखना है, तो इसको सेट होने के लिए आधा घंटा लगेगा हमें, 1/2 आवर लगेगा, तो हमें क्या करना है इसको आधे घंटे तक एक ही जगह पर ही रखना है, इसको हिलाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। आप 1/2 आवर के बाद में इसको निकाल कर मतलब उठा कर फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं, बट अभी इसको 1/2 आवर हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे,
इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये जो ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर की लेयर जो है धीरे धीरे सेट होने लगेगी। तो आफ्टर 10 मिनट्स में आपको बताती हूँ, जो हमने काजू बादाम पिस्ता और जो इसमें चारोली वगैरह लगाना है, केसर लगाना है, वो हम 10 मिनट के बाद लगाएंगे। देखिए अभी ये जो 10 मिनट हो चुके हैं और ऊपर से ये थोड़ा सा सेट होना स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर इलायची पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी, और उसके साथ में ही मैं इसके अंदर ये जो केसर है, ये केसर भी इसके अंदर मैं डाल दूंगी। अभी ये सेट होना स्टार्ट हुआ है, यही स्टेज पे अगर आप डालोगे तो केसर भी जो है वो इसके अंदर मेल्ट होगा, तो उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं इसमें ऊपर से गार्निश कर दूंगी। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर हम डाल देंगे। आप चाहो तो पकाते वक्त भी आधे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हो। बस इस तरीके से मैं सारे जो ड्राई फ्रूट है वो इसमें डाल दूंगी मैं, और फिर मैं आपको इसको अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी। मतलब इसे मैं अभी तो 10 मिनट ही हुआ है, तो इसे मैं हाफ एन आवर के बाद में, मतलब और 20 मिनट्स के बाद में इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, और फ्रिज में मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के बाद में मैं आपको इसको कट करके बताऊंगी। अगर आप चाहो तो आप इसको यहीं पर भी रखकर पूरा सेट होने के लिए रख सकते हो 2 घंटे के लिए, उसके बाद में आप चाहो तो कट कर सकते हो, बट फ्रिज में रखोगे तो ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसे मैं अब क्या करूंगी, इसे सेट होने दूंगी और 2 घंटे के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए 2 घंटे इसको मैंने फ्रीज में रखा है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। हमारा स्पेशल चाइना ग्रास जो है बनके तैयार है। इसको आप जिस भी शेप में कट करना चाहे आप कट कर सकते हो। देखिए बहुत ही इजीली ये कट हो रहा है, बहुत ही आसानी से। ये देखिए इसके पीस भी तो आपको निकाल के दिखा दूँगी। ये देखिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के कितना सॉफ्ट, और ये देखिए ये टेस्ट में भी इतना अच्छा बना है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।